हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो 10th एंड 12th का बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो बेसिकली ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि जो न्यूज़ कंटिन्यूसली चल रहा है कि जो 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन से वो ऑफलाइन मेथड से ही होंगे, इसमें कोई ऑनलाइन या तो कोई पोस्टपोन नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक के डिसीजंस में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक सर्कुलर जारी करके और यहाँ पे जो अपना 100% के ऊपर वाला परसेंट हो गया है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि जो प्राइवेट फॉर्म वाले बच्चे होते हैं उनका भी फॉर्म का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि वो फॉर्म भर सकते हैं लेट पेमेंट फीस के साथ। और दैट इज़ मीन्स आप समझ सकते हो कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होगा वो होगा ऑफलाइन बेसिस पे, क्योंकि अगर ऑनलाइन बेसिस पे होता तो शायद प्राइवेट फॉर्म नहीं भरना होता। तो गाइस, तो जो प्राइवेट बच्चे हैं यानी कि जिन्होंने अभी तक प्राइवेट फॉर्म नहीं भरा हुआ है उनके लिए प्राइवेट फॉर्म आ चुका हुआ है, और उसको ये डेट को एक्सटेंड करके 12 जनवरी कर दिया गया है, यानी कि 5 जनवरी में आया था ये, अब उसको एक्सटेंड करके 12 जनवरी कर दिया गया है और लेट पेमेंट फीस के साथ किया गया है। तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो प्राइवेट फॉर्म वाले बच्चे, जल्दी आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे मार्च में, और आपके जो प्रैक्टिकल ओरल्स एंड ये सब है तो ये 15 फेब के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे कि जो महाराष्ट्र के सीएम है और उनके ऑफिस से एक जो सर्कुलर जारी किया गया था कि जो 10th एंड 12th के बच्चे हैं उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कॉलेज स्कूल बुलाएगा और उनको जाना पड़ेगा, तो मतलब उनके लिए लॉकडाउन में थोड़ा सा मेहनत करने जैसा काम हो गया, क्योंकि उनको लगा कि शायद कोविड ज़्यादा हो जाएगा तो हमें हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा या ऑनलाइन हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑनलाइन ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्कुलर घूम रहा है कि जो 10th एंड 12th के प्राइवेट बच्चे हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनका डेट भी दे दिया गया, 5 जनवरी से स्टार्ट किया गया था और 12 जनवरी लास्ट डेट है लेट पेमेंट फीस के साथ। तो आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म भर दीजिए फटाफट। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है form17.mhssc.ac, ठीक है, और सेम में form17mh-hsc, ठीक है, SSC एक है HSC, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके फॉर्म फिल कर सकते हो या तो अपने नियरेस्ट स्कूल कॉलेजेस में विजिट भी कर सकते हो और वहां से भी फॉर्म फिल करवा सकते हो। तो चलिए गाइस, बेसिकली मुझे यही बताना था कि जो प्राइवेट फॉर्म के बच्चे हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं 12 तारीख तक। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।